बिगाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। अभय मुद्रा ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर यहाँ पे दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। लेकिन चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को टेस नहीं पहुंचे सर, मुझे बोलने में ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। माननीय माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के नेता आज पहली बार इस सदन को संबोधित कर रहे हैं। मैं दो नियम रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है शैल नॉट सिट और स्टैंड विथ बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ पीट करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। दूसरा अध्यक्ष महोदय, नहीं तो करके दूसरा अध्यक्ष महोदय आर्टिकल रूल 352 रूल 2 ये कहता है मेक पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग एन एलिगेशन इम्प्यूटिंग अ मोटिव टू और ए क्वेश्चनिंग द बोनाफाइडी। इन्होंने पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं बल्कि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के ऊपर एलिगेशन लगाया है। इनकी बोनाफाइड गलत है, इनके खड़े होने का तरीका गलत है। सदस्यों पे तो लगाया ही है। माननीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री
जी नो आप डिबेट में जरा मंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी शोर शराबा करकर इतने बड़े वाक्या को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को, हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर मान्यवर मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है, आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला है। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपता आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर मान्यवर दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ, आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। स्पीकर सर, अरे राहुल जी बैठ जाइए, बोलिए आप क्या अध्यक्ष में देखो कोई राय नहीं आएगा आपकी तरफ से, बोल दीजिए मुझे। तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी के समय भी सर आप ऐसे रहिए सर। राहुल जी बोलिए, आई एम नॉट स्पीक अंटिल दैट वॉइस। स्पीकर सर, ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है, और इन्होंने हिंदू का हिंसावादी कहा है सर। संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान की झूठी दुहाई दी है, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये आर्टिकल 25 है सर संविधान का सर, इनको माफी मांगनी चाहिए। आर्टिकल 25 जो है संविधान, और ये देश संविधान से चलता है, ये पार्लियामेंट संविधान से चलता है सर, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये संविधान से ऊपर नहीं है सर, कांग्रेस संविधान से ऊपर नहीं है। तुम्हें क्या
आर्टिकल 35 कल्याण मरियल जी बताए आर्टिकल 35 क्या था अभी तक आप लोग बताइए मैं क्या आप लोग कहां क्या आप लोग कहां पार्लियामेंट आप लोग कहां आप लोग का जमींदारी है क्या क्या समझते हो पार्लियामेंट का आप लोग का जमींदारी है क्या जमींदारी बिठा दी सर स्पीकर सर माने प्लीज प्लीज एक मिनट देता हूं मैं आपको हिंदू धर्म कहता है एक मिनट प्लीज माने सर प्लीज माने